फ्रेंड्स, आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम हैं ग्वालियर में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि कल रात 12 बजे हम ग्वालियर पहुंचे थे। ग्वालियर में पहुंच के हमने रूम लिया, लंगर खाया था और फिर ढेर हो गए थे। ठीक है भाई, पिछली वीडियो देख लो, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वो पार्ट वन है बड़वानी टू ग्वालियर का, और आज हम जाएंगे ग्वालियर टू आगरा। ठीक है भाई, आगरा है यहाँ से 120 किलोमीटर। वहाँ जाके ताजमहल टूरिज्म करेंगे। और आप देख सकते हैं आपके भाई ने आते सार पूरी बाइक क्लीन कर ली है, गीले कपड़े से चेन लूप कंप्लीटेड, बस बैग बांधना है और यहाँ से निकलेंगे। सारी बाइक रेडी हो चुकी है यहाँ से। हम सतनाम जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। तो भाई आप लोग सोच रहे हैं मैंने गुरुद्वारे के अंदर वाली साइड वीडियो क्यों नहीं बनाई। भाई वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो वहाँ नहीं बनाई। और रवि भैया भी आ चुके हैं रूम कीस देकर। तो अब हम निकलते हैं ग्वालियर से, और यहाँ से आगरा है 120 किलोमीटर। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं, और फिर आगरा पहुंच चुके हैं, चलते हैं ताजमहल। तो भाई जब गाड़ी ऊपर चढ़ती है तब इतनी मजे नहीं आती, जब जब गाड़ी नीचे उतारते हैं तो भाई मजे आते हैं गाड़ी नीचे उतारने में। और भाई यह व्यू देख सकते हैं, पूरा ग्वालियर दिख रहा है इस जगह से। तो और पैदल पैदल भी आ रहे हैं कुछ लोग नीचे से, जो बाइक नहीं ला सकते। और भाई यहाँ भगवान आदिनाथ जी की भी मूर्तियाँ बनी हुई बहुत सारी। ये देखिए आप, मंदिर भी है छोटे छोटे। ये भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है, बड़ी अच्छी जगह भाई, बहुत अच्छी जगह है।
हाँ तो भाई ये जो सामने शॉप दिख रही है, अभी मुझे जस्सी भाई ने इंटरकॉम पे बोला है कि यार रोक लेना, क्योंकि सबको चाय पीनी है, सुबह से किसी ने चाय नहीं पी है और अभी सुबह की 1 बज चुकी है। तो चाय पियेंगे फिर यहाँ से निकलते हैं आगरा के लिए, 120 किलोमीटर है वैसे भी आगरा। हाँ तो भाई चाय पीकर हम लोग निकल चुके थे, लेकिन मेरा कैमरा इसलिए नहीं ऑन करा क्योंकि सामने लग गया था ट्रैफिक, और भाई ट्रैफिक भी कोई छोटा नहीं लगा था भाई, 10 से 15 मिनट हमारे ट्रैफिक ने टूट चुके थे, तो इसलिए भाई मैंने कैमरा ऑन करना ज़रूरी नहीं समझा, और अभी हम 4 लेन पे आ चुके हैं तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। चलते हैं भाई यहाँ से आगरा, अप्रोक्स बचा 100 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर हमने कवर कर लिया भाई ट्रैफिक ट्रैफिक ने। भाई एक आगे शिफ्ट डिजायर जा रही है जिसका नंबर मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है। भाई ये जो बंदा है इतनी रफ गाड़ी चला रहा है भाई, जब भी मैं ओवरटेक करने जा रहा हूँ भाई बार बार गाड़ी के आगे ला रहा है, तो भाई बहुत दिमाग खराब हो गया गाड़ी चलाकर। ये है भाई ये नंबर इसका, भाई क्या इंसान है यार, गाड़ी चलाते नहीं आती तो मत चलाओ रोड पर, पूरा भाई मतलब इतनी रश ड्राइविंग कर रहा है ना भाई। चुके हैं भाई अभी कुछ टाइम हो रहा है, 4:12 आगरा ने एंट्री हो चुकी है अब हमारी। अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल की तरफ, ताजमहल यहाँ से है भाई 2-2.5-3 किलोमीटर मिनिमम जिस जगह पे हम अभी चल रहे हैं, तो ताजमहल पहुँचते फिर आपको दिखाते हैं क्या है वहाँ का सीन।
हाँ तो भाई ताजमहल यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, और पीछे भैया रुक कर पूछ रहे हैं कि किस साइड है ताजमहल। तो हमारे साथ हो चुका है, क्या स्कैम, क्या स्कैम है भाई। आज है ताजमहल बंद, क्योंकि भाई आज है ट्यूसडे। भाई जो कोई भी आ रहा है ट्यूसडे के दिन, ध्यान रखना ताजमहल बंद रहता है हर ट्यूसडे, और आज है ट्यूसडे 25 तारीख को। तो भाई आज हमारे साथ हो चुका है स्कैम। अब देखते हैं क्या करना है भाई, सारे भाइयों से चर्चा करते हैं अब क्या करें, फिर आप लोगों को बताता हूँ। यूपी के लोग कैसे हैं, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं दे रहे। एम्बुलेंस को तो जगह दे दो, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है। यार एम्बुलेंस को तो जगह दे दो, एम्बुलेंस कोई कोई जगह नहीं दे रहा। हाँ बिल्कुल, जा भाई निकल। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। अबे जाओ मेरे, निकल भाई निकल भैया, बच्चा एम्बुलेंस को ले लो। बेटा
भाई फिर एक बार गूगल मैप हमें गलत रास्ते पे लिया है। जब तक गूगल मैप सही चलता है तब तक चलता है भाई, जहाँ उसका मूड खराब हुआ ना भाई तो फिर ऐसे रास्ते ऐसे खड्डे कूदवाता है बाइकों से। हम अभी एक गलत रास्ते पे आ चुके हैं तो फिर सामने ही रोड था, हमने सोचा यहाँ से निकल जाएगी बाइक, और भाई प्रॉब्लम किसी की बाइक को नहीं आई, सबकी बाइक निकल गई, किसी की बाइक वहाँ टच नहीं हुई। तो भाई हमने सोचा 2 किलोमीटर घूम के क्यों आना, यहीं से निकाल लें। तो फिर रवि भाई की बाइक के टाइम ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी अड़ेगी, पर उनकी बाइक भी नहीं अड़ी, आराम से निकल गई। तो अब हम चलते गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा साहब पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं हम गुरुद्वारा साहिब, और गुरुद्वारा साहिब का नाम है गुरु का ताल। भाई ये आगरा के अंदर गुरुद्वारा है, और भाई आप लोग सोच रहे इतनी भीड़ क्यों है आज यहाँ। तो भाई अभी चल रहा है छोटे साहिबजादों की शहीदी, हाँ भाई शहीदी हफ्ता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। और ये हमारे 9वें पातशाही जी का गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी का। तो भाई ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ आज का व्लॉग। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ।